हेलो फ्रेंड्स, स्विंग की सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम जे कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जे कॉम्बो बॉक्स होता क्या है। तो कॉम्बो बॉक्स बेसिकली एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है जो आपको शो होती है। तो इनमें से आपको एक आइटम सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको लिस्ट ऑफ सिटीज़ दिखाई जाती हैं, शो कराई जाती हैं, और उसमें से आपको एक सिटी चूज़ करने को या स्टेट चूज़ करने को कहा जाता है। तो उस तरह की एक लिस्ट होती है जे कॉम्बो बॉक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। तो सब स्टार्ट करेंगे हम एक कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने से। तो कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट अनएडिटेबल होता है, मीन्स आप उसको एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ चूज़ कर सकते हैं कोई ऑप्शन। तो देन हम उसे एडिटेबल बनाएंगे सेट एडिटेबल मेथड से। देन बाय डिफ़ॉल्ट किसी इंडेक्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट किसी आइटम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ चेंज कैसे कर सकते हैं, और फिर चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन से इंडेक्स या किस आइटम को सिलेक्ट किया है। देन हम उसमें आइटम्स मीन्स ऑप्शन ऐड और रिमूव करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएट जे कॉम्बो बॉक्स से। तो सबसे पहले मैं नोट पैड प्लस प्लस ओपन करता हूँ और एक न्यू फाइल ले ली है मैंने, और सब कुछ स्टार्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जावा फाइल का। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ स्विंग के पैकेज को, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक, क्योंकि हम स्विंग की क्लासेस का यूज़ करने वाले हैं। देन ए डब्ल्यू टी पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट एस्ट्रिक। एंड एक क्लास बनाता हूँ और क्लास का नेम मैं दे देता हूँ माई कॉम्बो बॉक्स। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड बना रहा हूँ मैं, ए आर जी एस। और अब इसमें एक फ्रेम लेता हूँ, जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जे फ्रेम, फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इसका नेम मैं देता हूँ माई कॉम्बो बॉक्स। टाइटल दे देता हूँ मैं, और इसमें लिखता हूँ फ्रेम डॉट सेट साइज, साइज़ सेट करता हूँ इसका। साइज़ में मैं दूंगा इसको 700 विड्थ और 500 हाइट। एंड आज हम इसकी लोकेशन एक नए तरीके से सेट करते हैं, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ फ्रेम डॉट सेट लोकेशन रिलेटिव टू, और यहाँ आपको नल पास कर देना है। इससे क्या होगा कि इसकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सेंटर में हो जाएगी, वर्टिकल वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप फ्रेम को सेंटर में ला सकते हैं, सेंटर अलाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए मैं लिखता हूँ माई कॉम्बो बॉक्स डॉट जावा। चलिए सेव हो चुका है। अब इसमें इसका इसे डिफ़ॉल्ट क्लोज बटन के लिए भी सेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इससे क्या होगा कि क्लोज़ बटन पर क्लिक करने से ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, मींस प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और इसमें हमें पास करना है जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा है जे फ्रेम डॉट कॉन्स्टेंट पास करना है एग्जिट ऑन क्लोज, और लास्ट में जैसा कि आपको पता है सेट विजिबल, इसे इसकी विजिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। तो फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और यहाँ ट्रू पास कर देते हैं। सेव करता हूँ, आपको रन करके दिखाता हूँ। जावा सी माई कॉम्बो बॉक्स डॉट जावा। अब कंपाइल हो चुका है, अब रन करते हैं जावा माई कॉम्बो बॉक्स।
अभी आप देख सकते हैं हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी क्योंकि हमें इसमें कॉम्बो बॉक्स को ऐड करना है, तो मैं इसका एक कंटेंट पिन जो होता है उसे पता कर लेता हूँ। उसके लिए मैं लिखता हूँ कंटेनर सी इज इक्वल टू फ्रेम का कंटेंट पिन पता करना है, इसलिए लिखता हूँ फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पिन, और इसका लेआउट सेट कर देते हैं। तो सी डॉट सेट लेआउट, और इसमें आपको नल पास कर देना है। अभी हम नल लेआउट पर वर्क कर रहे हैं, बाकी के लेआउट हम बाद में पढ़ेंगे। इसे सेव करता हूँ। चलिए अब हम अपना जे कॉम्बो बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसे लिखता हूँ जे कॉम्बो बॉक्स, और इसका नेम मैं देता हूँ सी वन इज इक्वल टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स। और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको एक स्ट्रिंग एरे पास करना है, मीन्स जो भी आपको वैल्यूज शो करानी है उसका एक एरे बना के आपको पास करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, एक एरे बना लेता हूँ स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग और वैल्यूज़ इक्वल टू, और यहाँ आप एक एरे बना लेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो ये मैंने एरे बना लिया है। चलिए अब आपको इस एरे को यहाँ पास कर देना है। अब क्योंकि मुझे ये कॉम्बो बॉक्स को फ्रेम पर शो कराना है और लेआउट जो है वो नल पर सेट है, इसलिए हमें इसकी सेट बाउंड मीन्स बाउंड सेट करनी है साइज़ और लोकेशन। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ सी वन डॉट सेट बाउंड्स, और इसे मैं लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस देना चाहता हूँ एंड टॉप से भी 100 मार्जिन देना चाहता हूँ, एंड इसकी विड्थ होगी 100 एंड हाइट होगी 30 पिक्सल। और इसे कंटेनर में ऐड करते हैं। तो ऐड की उसके लिए लिखता हूँ ऐड सी डॉट ऐड और सी वन, सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ये वार्निंग है, वार्निंग पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कॉम्बो बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये इसे मैं एडिट नहीं कर सकता, ये एक अनएडिटेबल कॉम्बो बॉक्स है। इसमें से आप किसी आइटम को चूज़ कर सकते हैं बस, बट अगर आपको एडिट करना हो तो एडिट नहीं कर सकते, आपको इन्हीं आइटम में से कोई आइटम चूज़ करना है। मगर क्या होगा कि अगर इन आइटम में से कोई आइटम, जो आइटम आप मीन्स जो भी डेटा आप इसमें एंटर करना चाहते हैं वो इसमें शो नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको इसे एडिट करना पड़ेगा। तो इसे एडिटेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें सिंपल लिखना है सी वन डॉट सेट एडिटेबल, सेट एडिटेबल, और इसमें आपको ट्रू पास कर देना है ट्रू। सिंपल सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसमें ए टाइप कर रखा है तो ए है, और आप जो भी टाइप करेंगे जैसे मैंने डी टाइप किया तो ये और अपने आप इसे डी सिलेक्ट कर लेता है। और अगर आप इसमें इसके अलावा कुछ और भी डालते हैं तो उसे भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से आप इसे एडिटेबल बना सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इस तरह से आप इसे एडिटेबल बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम किसी आइटम को बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें सिलेक्टेड शो कराना है तो उसे हम कैसे करा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैं मुझे लिखना पड़ेगा सी वन डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम, और मुझे जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसमें बी आइटम जो है वो पहले से ही ऑलरेडी सिलेक्टेड आए, तो
तो यहाँ टाइप कर देते हैं बी, सेट सिलेक्टेड आइटम बी, मीन्स बी को पहले से ही सिलेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट आना चाहिए। तो सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि बी पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आया है। तो इस तरह ये तो था कि आप किस आइटम को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई इंडेक्स जो है इंडेक्स को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है, आप यहां टाइप कर सकते हैं सेट सिलेक्टेड, इसे मैं डिलीट करता हूं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है c1 डॉट सेट सिलेक्टेड इंडेक्स, और इसमें आपको एक इंडेक्स मींस इंटीजर वैल्यू पास करनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 टाइप करता हूँ, सेव करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि 3 पोजीशन पे जो है, 3rd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे जो भी होगा वो आइटम शो हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डी सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आया है। तो ये क्यों आया है, क्योंकि 0th पोजीशन पे 1 है, ए है, और 1th पोजीशन पे बी, 2th पोजीशन पे सी, एंड 3rd पोजीशन पे डी है। तो इसलिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3rd पोजीशन पे ये डी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। तो आगे देखते हैं कि अगर मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए उसके लिए आपको पता है सेट फॉन्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ c1 डॉट सेट फॉन्ट, और आपको पता है कि फॉन्ट चेंज करने के लिए एक फॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो यहाँ हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में, मीन्स एक ही कंपोनेंट में फॉन्ट सेट करना है, इसलिए मैं फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना कर यहाँ डायरेक्ट एनोनिमस ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। एनोनिमस दोस्तों उस चीज़ को कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। तो यहाँ हम भी किसी उस फॉन्ट का ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसे एनोनिमस बोल रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट पास कर देता हूँ न्यू फॉन्ट, और यहाँ लिखता हूँ एरियल, और यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट डॉट, और यहाँ मुझे प्लेन में देना है, और यहाँ इसका साइज़ पास कर देता हूँ। साइज़ को मैं देता हूँ 20 देता हूँ, सही है 20 देता हूँ। सेव करते हैं, कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट पहले से इंक्रीज़ हो चुका है और फॉन्ट भी चेंज हो चुका है, ये प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, पहले कुछ डिफरेंट आ रहा था। तो इस तरह से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कैसे हम इसका, अगर हमें चेक करना है कि यूज़र ने किस आइटम को सिलेक्ट किया है तो उसे हम कैसे करते हैं। तो आइटम को चेक करने के लिए कि किस आइटम को सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए मुझे एक इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। तो इवेंट लिसनर का मींस एक्शन लिसनर चाहिए, तो एक्शन लिसनर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं इवेंट पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट java.awt.event.stg ला देता हूँ ताकि हमें बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। और अब एक मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ एक बटन लूँगा और एक लेबल लूँगा ताकि बटन पर क्लिक करने से जो भी आइटम सिलेक्टेड हो वो लेबल पर शो हो सके। तो उसके लिए मुझे दो कंपोनेंट चाहिए, तो दो कंपोनेंट मैं एक बार बना लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ जे बटन, बटन इक्वल टू न्यू जे बटन, और यहाँ लिखता हूँ ओके। इसकी बाउंड सेट करता हूँ bounce.set set bounce, और यहाँ लिखता हूँ मैं ये था 100 एंड 100, तो ये 200 पे हो गया। मैं यहाँ 300 टाइप कर देता हूँ, 300
एंड टॉप से 100 एंड इसकी विड्थ होगी 100 ही कर देता हूँ, हाइट हाइट में मैं 30 दे देता हूँ। सी डॉट एड बटन, इसी तरह से एक जे लेबल बना देते हैं, जे लेबल लेबल इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसमें अभी कुछ एंटर कुछ पास नहीं करते हैं, इसकी बाउंड सेट कर देते हैं, सेट बाउंड। और यहाँ मैं टाइप करता हूँ ये है 100 एंड टॉप से 100 है, तो मैं यहाँ 300 कर देता हूँ, तो 100, 300, इसे मैं देखता हूँ इसकी विड्थ है 100 एंड हाइट होगी 30 देते हैं, सबको एक साथ दे देते हैं, तो सी डॉट एड, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ लेबल, सेव करते हैं। अभी आप देखेंगे कि एक बटन शो हो रहा होगा, लेबल हमारे शो नहीं होगा क्योंकि अभी लेबल में कोई टेक्स्ट सेट नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारा बटन कि यहाँ ऐड हो चुका है। चलिए तो हम क्या चाहते हैं कि बटन पर क्लिक करने से हमें लेवल में कुछ जो भी आइटम सिलेक्टेड है वो शो हो, तो उसके लिए इवेंट हमें जो एक्शन लिसनर का वो एक्शन परफॉर्म मेथड है उसे ओवरराइड करना पड़ता है। तो सबसे मैं यहाँ एनोनिमस क्लास का यूज़ करके बटन की इवेंट हैंडलिंग करूँगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बटन डॉट एड एक्शन लिसनर, आपको पता है ये हमने बटन इवेंट्स जब पढ़े थे जब हमने इस पर वर्क किया था, एड एक्शन लिसनर, और यहाँ एक एनोनिमस क्लास एनोनिमस इनर क्लास पास कर देंगे, तो न्यू एक्शन लिसनर, और यहाँ लिखते हैं एनोनिमस इनर क्लास, और ये जैसे कि इनर क्लास बन चुकी है, तो अब यहाँ हम उस मेथड को ओवरराइड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ पब्लिक void action performed, action event e, और इसे यहाँ लिखते हैं। तो इस मेथड के अंदर आपको वो कोड लिखना है जो आपको बटन को प्रेस करने पर चलाना है, तो मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र बटन पर क्लिक करे तो लेवल की जो वैल्यू है वो उस वो आइटम की वैल्यू हो जाए जो आइटम सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ C1 क्यों, लेवल हमें लेवल में सेट करना है, तो लेवल लिखते हैं लेवल डॉट सेट टेक्स्ट, लेवल डॉट सेट टेक्स्ट, और हमें वो यहाँ वो स्ट्रिंग पास करनी है जो कि यूज़र ने सेलेक्ट की है, तो वो कैसे हमें मिलेगी, तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स का नेम क्या है, C1, तो हम यहाँ C1 टाइप करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले मैं यहाँ एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्ट्रिंग और आइटम, स्ट्रिंग आइटम इज इक्वल टू C1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, तो इससे क्या होगा कि ये मेथड जो है इसे वो आइटम रिटर्न करके देगा जो कि इस आइटम स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग टाइप के आइटम जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, तो अब हम इस आइटम को यहाँ पास कर देंगे, तो सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, और ये क्या एरर आई है, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, तो ऑब्जेक्ट को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये मेथड जो है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, और हम क्या चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करके दे, तो ये ऑब्जेक्ट को हमें बेसिकली टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, स्ट्रिंग आइटम में स्टोर हो जाए, तो दोबारा कंपाइल करते हैं और रन करते हैं,
तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं सी पर सिलेक्ट बी पर सिलेक्ट करता हूं और यहां ओके पर क्लिक करता हूं, तो देखिए लेवल की वैल्यू जो है वो बी पर बी आ गई। तो अभी आप डी पर सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो इसकी वैल्यू डी हो जाती है। ए पर क्लिक करते हैं, ओके ए हो जाती है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो है कि कौन सा आइटम सिलेक्ट किया गया है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे मिले कि कौन सी इंडेक्स लिस्ट की कौन सी इंडेक्स सिलेक्ट की गई है वो मैं शो कराना चाहता हूँ, तो उसे कैसे करते हैं, उसके लिए आपको सिंपली लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें उसके लिए क्या करना है, यहाँ मैं हम मैंने लिखा है c1.getSelectedItem। तो उसके लिए यहाँ मुझे अभी इंडेक्स से शो करानी है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। तो चलिए ये हमें एक इंटीजर को रिटर्न करके देगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो इस तरह से हम इसमें इसको पास कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये इंडेक्स रिटर्न करके देगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये ज़ीरो दिस शो करा रहा है क्योंकि ए की पोजीशन ज़ीरो है। अभी मैं सी को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ तो ये टू दिखा रहा है क्योंकि सी की पोजीशन क्या है, टू। और डी को सिलेक्ट करता हूँ तो ये थ्री दिखाता है। तो इस तरह से आप इसकी इंडेक्स को भी शो करा सकते हैं या इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली एक्सेस करना कहते हैं इसे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई न्यू आइटम, ये चार ही आइटम है, मैं इसमें चाहता हूँ कि एक और आइटम ऐड हो जाए, तो उसे कैसे करते हैं देखिए। तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है c1.addItem, ये आइटम एक मेथड है और इसमें आपको जो भी आइटम ऐड कराना है उसे आप पास कर देंगे। मैं यहाँ ई पास करता हूँ, ई सेव करते हैं और ये आइटम लिस्ट के लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा, मींस जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ लास्ट में आके वही जो आइटम हमने पास किया था वो यहाँ ऐड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई आइटम रिमूव करूँ, तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है c1.remove Item और यहाँ आइटम का नेम पास कर देना है जैसे मैंने करा सी। तो रिमूव आइटम सी मीन्स सी को इसमें से रिमूव कर दो। तो अभी आप देख सकते हैं कि सी इसमें से रिमूव हो चुका है, लेकिन जब हम इसमें से रिमूव करेंगे क्या हो कि अगर इसमें अभी तो एक सी है, तो उसे पता चल गया कि ये वाला हमें रिमूव करना है, क्या हो कि मान लीजिए इसमें बाकी काफ़ी सारे सी हैं, इसमें यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, मीन्स ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो तब उस सिचुएशन में ये क्या किस वाले सी को रिमूव कर देगा देखते हैं। तो देखते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं इसने अब भी पहले वाले सी को जो ए और बी के बाद आता है उसी को रिमूव किया, मींस इसका मतलब क्या है कि ये सबसे पहले फाइंड करता है और जो भी आइटम इसे सबसे पहले मिल जाता है उसी को रिमूव कर देता है, उससे आगे ये नहीं जाता। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि जे कॉम्बो बॉक्स के किस किस कौन कौन से मेथड इम्पोर्टेंट हैं और उन मेथड्स का यूज़ करना हमने सीखा। तो आगे हम इस जे कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करके और भी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।